हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल केकेडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आप कैसे अपने फ्लिपकार्ट ऐप को कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप बड़ी आसानी से अपने फ्लिपकार्ट को लॉग आउट कर सकते हैं। आप अपने फ्लिपकार्ट को लॉग आउट कर देंगे तो आपका फ्लिपकार्ट कोई भी नहीं खोल पाएगा। तो आप इसे कैसे लॉग आउट करते हैं, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लिया है। ऐप को ओपन कर देने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपको नीचे 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और उनमें से आपको चौथा ऑप्शन देखने को मिल रहा है अकाउंट का। आपको अकाउंट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको देख सकते हैं सबसे नीचे आने के बाद आपको सबसे नीचे ब्लू कलर में बीच साइड में आपको लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये लिखा हुआ है लॉग आउट। आप जैसे ही अपने लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका फ्लिपकार्ट ऐप आपके मोबाइल में तुरंत ही लॉग आउट हो जाएगा। आप ऐसे ही बड़ी आसानी से अपने फ्लिपकार्ट ऐप को लॉग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स।